गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन का हेडिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में एमएम में, ठीक है, एमएम में निम्नलिखित रूप से अंकित है, ठीक है, यहाँ पर एमएम होगा, ठीक है, एमएम वर्षा को एमएम में व्यक्त किया था। यहाँ को दिया गया है दिन, यहाँ लिखा गया वर्षा एमएम में, ठीक है, रविवार से लेकर दिन है रविवार से लेकर के शनिवार तक, और यह कर दिया गया औसत वर्षा 30 दिन का वर्षा हो रही है। अब इससे आपको 3 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा का परिसर यानी रेंज ज्ञात कीजिए। तो परिसर का अर्थ क्या होता है जी, हम कई बार बता चुके हैं परिसर के बारे में। तो परिसर का अर्थ क्या होता है कि जो सबसे बड़े मान होता है और जो सबसे छोटे मान होता है उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम परिसर कहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या इस आंसर में सबसे पहले आप लोग इसका अवलोकन करेंगे, जो वर्षा का दिया गया औसत वर्षा का इसका रेशियो दिया गया है, इसको जो लगता कितना आई 12.2 एमएम है, सोमवार को 0.0 एमएम है, मंगलवार को 20.5 एमएम है यानी 20.5 एमएम है, बुधवार को 2.1 एमएम है, और बृहस्पतिवार को 5.5 एमएम है, और शुक्रवार को 1.0 एमएम है, और शनिवार को 0.0 एमएम है। अब यहाँ पूछा है मीटर के वर्षा का परिसर क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे उच्चतम या अधिकतम, सकते हैं उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। उच्चतम मान कितना है जी, आप देखेंगे तो जो सबसे अधिक वर्षा का रेशियो है तो आपको मंगलवार को कितना थी 20.5 एमएम, तो ये सबसे उच्चतम मान होगा, यानी कहेंगे 20.5 एमएम लिखेंगे, लेकिन माइनस या सबसे न्यूनतम क्या है जी, सबसे न्यूनतम देखेंगे 0.0 है, 0.0 है, ठीक है, यानी अगर डालेंगे 0.0 तो हमें यही मान प्राप्त होगा कितना जी 20.5 हमें प्राप्त होने वाला है, क्या जाएगा ये जाएगा एमएम, ठीक है, यानी मीन है। ये आपके फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या है जी, ये वर्षा का क्या है जी परिसर यानी रेंज है कितना ही 20.5 एमएम। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा लिख रहा है कि प्राप्त सॉरी क्वेश्चन कितना 8 है, दूसरा लिखा है कि सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए, क्या सेकंड जी सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए, निकालिए सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ पे सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए, यानी इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य, लिखेंगे इसके आंसर में, और लिखेंगे सप्ताह की वर्षा बराबर कितना है जी
12.2, 0.0, 0.5, 20.5, 20.5, 2.1, 2.1, 5.5, 5.5, 1.0, 0.0, ये क्या आ गई, ये वर्षा का रेशियो है यानी उसके मान लिया गया एम एम में। अब इनका औसत निकालना, सॉरी कैसे निकालना, इसका माध्य। तो चलिए आगे तो है माध्य का क्या होता है जी, यानी करेंगे माध्य बराबर तो क्या होता है फॉर्मूला जी, सभी प्रक्रियाओं का एक बटा प्रक्रियाओं की संख्या, यानी करेंगे सभी प्रक्रियाओं का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा निकलेंगे प्रेक्षणों की संख्या, बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या से इसमें भाग देते हैं। चलिए इसका मान हम यहां भरेंगे, सबको ऐड करेंगे क्या जी, 12.2 ध्यान देंगे 12.0, 0.0 प्लस 0.0, 0.0 प्लस 20.5, 20.5 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस 0.0, ये भी क्या है कि रेशियो है, सबको ऐड करेंगे ठीक है, भाग दे किसे, भाग देंगे किससे जी, तो ये संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात से भाग देंगे ठीक है। ये इसका पार्ट है, इधर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। चलिए यहाँ लेंगे आप सबको ऐड करेंगे तो 0, 0, 5 ठीक है, 5 है, 5 6, 6 5, 11, 11, 0, 11, 11, 2, 13 कितना जी, 13 कितना रहा, 0.13 लिखेंगे सबको, लिखेंगे 3 1 लिखेंगे कैरी, और इसको जोड़ेंगे तो 5 6 8 6 6 2 8 8 2 8 0 0 0 और 8 2 10 10 का 0 फिर कैरी 1 और 1 2 3 3 और 1 2 यहां पर 3 3 और 1 4 कितना गया जब आएगा 40.3 कितना गया जी 40.3 यानी 12 32 पॉइंट आ जाएगा आपका 7 और 32 33 34 पॉइंट 8 34 5 तक हो जाएगा 39 39 यानी 40.3 और हो जाएगा 41 ठीक है। भाग देंगे कितना गया जी, भाग देंगे तो आपका 7 4 35 7 35 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका 50 यानी 7 4 3 इससे की 70 से तो 70 7 28 280 यानी 70 56 7 49 490 अभी बड़ा यही 7 6 42 420 3 10 2 8 यहाँ फ्रीक्वेंसी अभी बड़ा 7 6 35 350 3 10 5 5 और 3 फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 7 7 49 4 790 7 8 56
मेरा 560 यानी मैं 749 जीरो 1094 कट गया, आ जाएगा आपका कितना जी 57.5 का जाएगा। ठीक है, ये रहा क्या जी इसके औसत, ध्यान देंगे ठीक है, इसके ऊपर हमने ध्यान देंगे 12.2 ठीक है, 20.5 है, 2.1 है, या तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं 12.2 ठीक है, 0.0 20.5 2.1 5.5 1.0 0.0 5 2 7 7 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 ठीक है, 8 हो गया, 2 1 3 3 1 4 है ना, ये 48 है ठीक है, 48 है, सॉरी यहाँ गलती हुआ, 6.9 इसका औसत रेशियो इसका मान दर्शा। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, थर्ड नंबर आपको कि माध्य वर्षा से कौन सा वर्षा, माध्य वर्षा से, माध्य वर्षा से कौन वर्षा कौन कौन से दिन हुआ है, अब पूछा है किससे कौन वर्षा किस किस दिन इसमें हुआ है, 6.9 से कौन, ये तो 6.9 सब कौन है, सब कौन है जी, केवल इसको रवि और मंगलसूत्र सब से कौन है ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि जो माध्य वर्षा है इससे कौन वर्षा किस किस दिन हुआ है जी, तो क्या आंसर हो जाएगा शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार बुधवार और सोमवार, ठीक है 12.2 है और 2.5 ठीक है, 6.9 से अधिक है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, तो इसे आप लोग अपने समझ सकते हैं, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप समझ चुके होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।